तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अभी तक एग्जाम डेट आया नहीं रहा। सर से एक बार सत्येंद्र से डिस्कस करते हैं कि एग्जाम डेट क्या रहेगा, कब तक आएगा। चलिए भाई, तो सबसे बड़ी परेशानी है कि एसएससी एमटीएस के सर जी सबको पता है कि जो परीक्षा होने वाली है वो अप्रैल में होने वाली है एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन अभी तक का कोई भी हमारे पास ऐसे कोई खबर नहीं है एसएससी की तरफ से भी कि एमटीएस की परीक्षाएं कब होंगी। देखिए, अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि ये परीक्षा अप्रैल और मई में होगी, क्योंकि एसएससी का जो सिलेक्शन फेज 11 की परीक्षा आई है वो आपका जून और जुलाई में एसएससी ने कहा है। तो अप्रैल और मई में वो एमटीएस कराएंगे, लगभग 50 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं, तो सीधी सी बात है कराने में परीक्षा में समय लगेगा ही लगेगा। और अगर हम बहुत ज्यादा चांसेस की बात करेंगे तो अप्रैल के मिड में यानी कि 15 तारीख के बाद से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएंगी, 1 से 1.5 महीने पूरी परीक्षा चलेगी और आपको पूरी हिम्मत के साथ और पूरे जोश के साथ उस परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि अब अगर आपने सिलेबस अभी तक का नहीं खत्म किया तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अभी पीछे हैं। आपको सबसे पहला काम होगा सिलेबस को खत्म करना ताकि आप अभी से प्रैक्टिस शुरू कर पाइए। और इसी चीज को देखते हुए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बच्चा रेलवे की तैयारी करा होगा, एनटीपीसी की तैयारी करा होगा, हम लोग हमेशा परीक्षा के पहले क्या करते हैं, रैंकर्स बैच लेकर आते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम आपको प्रैक्टिस सेट देते हैं और इसकी वीडियो सोल्यूशन देते हैं। बच्चों को होता क्या है कि वो प्रैक्टिस को सॉल्व कर लेते हैं लेकिन तरीका क्या होगा उनको आइडिया नहीं लग पाता, क्योंकि हमारे पास जो टेस्ट में तरीके होते हैं वो बड़े लंबे तरीके होते हैं और हम नहीं समझ पाते। अब जिन अध्यापक से पढ़ते अगर उनके तरीके आपको टेस्ट में भी काम में आ जाए तो वही आपकी सफलता का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि रास्ता बन जाता है। तो ये रैंकर्स बैच तब आएगा एमटीएस का जिस दिन आपकी परीक्षाओं की तारीखें डिसाइड हो जाएंगी, हम उसके आसपास ही लॉन्च करेंगे ताकि 15-20 ऐसे आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट दिए जा सके जिसमें वीडियो सोल्यूशन भी हो और एक जबरदस्त तैयारी आपकी चलती रहेगी। तो एमटीएस की परीक्षा अप्रैल के मिड में होने वाली है, पूरी तैयारी कर लीजिए, सिलेबस खत्म करिए जल्दी से, रिविजन पे लगिए और मॉक टेस्ट देना शुरू करिए। हफ्ते में 1 या 2 मॉक टेस्ट जरूर से जरूर लगाए। बाकी इसी तरीके की और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाए रहिए। धन्यवाद।